हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है स्वस्थ है सब बढ़िया है आप सभी के साथ सो माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा दिस इज स्ट्रॉगली फॉर दोस्त जो कि बिल्कुल नो no कम्युनिकेशन में है विद देअर पार्टनर ये हो सकते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ या बॉयफ्रेंड या गर्ल फ्रेंड या फिर ये हो सकते हैं आपके क्रश ये एक ऐसे पार्टनर हैं आपके लव पार्टनर जो कि अभी आपके साथ नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में है अभी मतलब आप लोगों की इतनी बातें नहीं हो रही हैं एंड इफ यू गाइज वॉन्ट देयर ट्रू फीलिंग्स टू नो कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं तो ये रीडिंग एक बहुत ही क्लियर कट रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल दोज पर्सन जो अभी हाल फिलहाल नो कम्युनिकेशन में विद देअर पार्टनर ओके सो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आपने क्या करना है आपने अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर पिक करना है दैट्स इट और आप लोगों ने यहाँ पर चेक करना है कि आपके पार्टनर का जो पहला अक्षर है नाम का वो कहाँ है आपने जस्ट आंखें बंद कीजिएगा अपने पार्टनर के नाम को फील कीजिएगा और यहाँ से पिक कर लीजिएगा उनके नाम का पहला अक्षर कौन से वाले पाइल में है उस वाले पाइल को फर्स्ट सेकेंड ठीक है तो आज हम देखने वाले हैं फॉर द नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए हुए लोगों के लिए रीडिंग कि आप लोगों के लिए क्या निकल कर बाहर आता है वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं उनके ट्रू इंटेंशंस क्या चल रहे हैं करंट एनर्जीज नहीं मैं ट्रू इंटेंशंस की बात कर रही हूँ कि उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है अभी हाल फिलहाल ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को पाइल नंबर वन में हमारे पास ये वाले अल्फाबेट्स एंड पाइल नंबर टू में हमारे पास ये वाले अल्फाबेट्स ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद द पाइल नंबर वन अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आती है देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट लव रीडिंग किस टॉपिक पर चाहिए हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर वन पीपल आई होप आप सभी लोग ठीक हैं स्वस्थ हैं सब बढ़िया है तो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर वन को इसका मतलब आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है बी डी एफ एच आई के एम ओ आर टी वी एक्स एंड जेड तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर बाहर आता है आपके पार्टनर आपके लिए ट्रू इंटेंशंस क्या लेकर बैठे हैं इस वक्त ठीक है तो मैं आज सबसे पहले सारे कार्ड्स निकाल लेना चाहती हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ दैट व्हाट एग्जैक्टली दे आर हैविंग इन देयर माइंड फॉर यू उनके ट्रू इंटेंशंस क्या चल रहे हैं उनकी सोल से उनके माइंड से ये है उनके इंटेंशंस ठीक है बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ बॉन्ड्स पैशनेट एनर्जी सो ये है उनके इंटेंशंस नाउ लेट्स सी आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जीज क्या चल रही हैं अभी हाल फिलहाल दिस इज फॉर द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो और ये है आपके पार्टनर के एनर्जीज़ ठीक है कुछ कार्ड्स हम बाद में चेक इन करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं देखती हूँ आप लोगों की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं ऑर्डिनरीनेस गिल्ट और इनोसेंस और आपके पार्टनर की एनर्जी अभी हाल फिलहाल चल रही है अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस एंड बर्डन मुझे यहाँ पे पायल नंबर वन पीपल एक स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है कि या या तो आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर आप लोग एक स्ट्रांग पॉजिटिव सोलमेट कनेक्शन के अंदर हैं ठीक है पायल नंबर वन पीपल यू गाइज आर इन अ स्ट्रांग जैसे होता है ना कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि पास्ट से जुड़ा हुआ है या तो पास्ट में उस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया या फिर आपने उस पर्सन के साथ पर्टिकुलरली पास्ट लाइफ में कुछ नेगेटिव किया था ठीक है और ये किस बहुत सारे लोगों के लिए एक सोलमेट या फिर ट्विन फिल्म कनेक्शन है मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ लाइक बियॉन्ड ऑर्डनरीनेस है ये कनेक्शन मतलब ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसके अंदर बार बार ब्रेकअप बार बार पैचअप बार बार नो कम्युनिकेशन बार बार कम्युनिकेशन मतलब एक क्लैरिटी नहीं आ पाती है संभाव ठीक है आप ऐसा सोचते हो कि आपके आपका जो पार्टनर है ना जिसके साथ आप नो कम्युनिकेशन में हो आप ये सोचते हो कि यार उस बंदे जितना अच्छा कोई और आपको मिल ही नहीं सकता उसका स्टाइल उसका एरोगेंस उसकी इमिच्योरिटी या इनोसेंस कह लो हर चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है बस आपको है ना थोड़ा सा उनके मन में आपके प्रति एक क्लियर भाव देखना है क्लैरिटी देखनी है दिस इज़ वॉट यू एग्जैक्टली वॉन्ट फ्रॉम योर पार्टनर आप क्लैरिटी चाहते हो उनके साथ ठीक है आप एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कमिटमेंट चाहते हो एक ऐसा कमिटमेंट जो कभी भी कोई ना तोड़ सके और अगर मैं इस पर्सन की यहाँ पर एनर्जी बताऊँ ना <clears throat> तो मुझे यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी फील हो रही है एक तरीके से जैसे बर्डन उनको ऐसा महसूस हो रहा है अभी हाल फिलहाल उन्हें पता है कि उन्होंने कहाँ गलत गलतियाँ करी हैं कहाँ उन्होंने सही किया है कहाँ गलत है कहाँ सही है वो ईच एंड एवरी पॉइंट ही और शी नो एक्चुअली अबाउट यू एंड अबाउट दिस कनेक्शन बट द थिंग इज़ वो अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा बर्डन में है या तो ये किसी तरीके का बर्डन है फैमिली का या फिर ये किसी तरीके का बर्डन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का या फिर ये बर्डन है किसी तरीके का ऐसा जहाँ पर उनको हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी नहीं आ पा रही है दैट क्या सही रहेगा <coughs> आगे चल के hmm. क्या चीज़ एकदम पॉजिटिव रहेगी आगे चल के कुछ अच्छा हो भी सकता है या नहीं हो सकता दिस इज़ वॉट दे एक्चुअली फीलिंग राइट नाउ अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आ, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर के ठीक है पहला कार्ड है फाइव ऑफ पैंटिकल्स दूसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स तीसरा कार्ड है एस ऑफ वॉन्स फिर है पेज ऑफ वॉन्स नाइट ऑफ सोट्स दी एस ऑफ सोट्स फाइव ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग और बहुत ही पॉजिटिव देख रही हूँ और वो है कि आ, ये वाला कार्ड निकला था सबसे पहले अचानक से पलट गया था अगर आप लोगों ने शफलिंग देखी है तो एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ बॉन्स दोनों ही फायरी कार्ड्स हैं पैशनेट कार्ड्स हैं जल्दी जल्दी स्पीडिंग के कार्ड्स हैं इनफैक्ट हम ऐसा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा स्पीड के कार्ड्स हैं ठीक है, है? एकदम फास्ट रफ्तार में इनका जो इंटेंशन है ना आपको लेकर के इनका इंटेंशन कभी भी आपको हर्ट करना नहीं रहा कभी भी आपको नेगेटिव बोलना नहीं रहा कभी भी आपको गलत कहना नहीं रहा इनके साथ मतलब सीन ऐसा बना कि होता ही चला गया ठीक है कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि आपके साथ गलती करें या आपके साथ गलत करें जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में आए या जब भी आपके साथ कम्युनिकेशन में आए तो इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की गलती कर दी है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा है उन्होंने हमेशा आपको यहाँ नहीं यहाँ रखा है मतलब हमेशा एक अच्छी वाली तरजीह दी है हमेशा एक अच्छी वाली पोजिशन दी है अपनी लाइफ के अंदर हमेशा उन्होंने ये चाहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा uh, कुछ ना कुछ बड़ा क्रिएट करो दे एग्जैक्टली वॉन्ट फ्रॉम यू एस एक स्ट्रांग पॉजिटिव ब्रेवरी एक स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी रखो आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करो उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा खुश रहो अपनी ज़िंदगी में इनफैक्ट मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ कि इस इंसान ने ना कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि आपसे पैसा लूट के भाग जाए या आपका कुछ गलत करके भाग जाए या कुछ ऐसा करके भाग जाए अगर कुछ भी नेगेटिव इनसे हुआ है दैट वॉज़ अ टाइम फॉल्ट या मैं ऐसा कहूँ कि वो सिचुएशनस ही ऐसी थी कि वो सब चीज़ें उस तरीके से होती हुई चली गई ठीक है उन्होंने कभी नहीं चाहा नेवर एवर दे एक्चुअली डोंट वॉन्ट और उन्होंने कभी भी ये चीज़ चाह ही नहीं है कि वो आपका कभी भी गलत करे ठीक है उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड महसूस होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथलेस महसूस करते हैं एक एक कार्ड को अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट इंटेंशन उनका ये है कि अगर वो आपके साथ नहीं रहे कभी भी या अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया ना तो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बहुत बड़ी खाई खोद लेंगे जो कि कभी भी भर नहीं पाएगी और आपकी जो कमी है ना उनको हमेशा अखरेगी एक पॉजिटिव फ्रेंड एक पॉजिटिव गर्लफ्रेंड एक पॉजिटिव बॉयफ्रेंड या एक पॉजिटिव पार्टनर की जो कमी होती है ना वो उनकी ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होगी अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया या सब कुछ ख़त्म हो गया आप दोनों के बीच में से तो सेकेंड चीज़ उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा इमेच्योर डिसीजन लिया है ये सब करके क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं दे एक्चुअली वॉन्ट बिगनिंग फ्रॉम यू फ्रॉम विद यू वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ और कुछ बड़ा करना करना चाहते हैं कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं ए सब वॉन्स इज़ ऑल अबाउट एक स्ट्रांग पॉजिटिव न्यू बिगनिंग और उनको ऐसा लगता है कि आपके पास आना इज़ लाइक like एक पूरा का पूरा पद यात्राएँ होती है ना जैसे कि परिक्रमा वाली यात्राएं है होती हैं अगर कोई गोवर्धन जी के गया है तो वहाँ पर पूरी परिक्रमा होती है तो ऐसा कुछ होगा एक पूरी की पूरी पॉजिटिव या कह लो थका देने वाली ट्रैकिंग जिसको हासिल करना बहुत ही टफ रहने वाला है बट उनका ट्रू इंटेंशन है कि आपके पास आज ही उन्हें आकर के अच्छा सुकून मिलेगा वो कभी भी आपसे दूर जाके खुश नहीं रह सकते उनको ऐसा महसूस होता है कि वो आपसे दूर है ना जैसे कि प्राण और जो आपकी बॉडी है ना वो एक दूसरे से डिटैच हो रखी है उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथलेस महसूस होता है आपके बिना और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं तो मुझे एक भी कार्ड में ऐसा नज़र नहीं आया कि वो आपके साथ हैं आपके पैसे के लिए या आपके साथ हैं अपनी किसी खुशी के लिए या मतलब वो ग्रीडी नीडी नहीं है पाइल नंबर वन पीपल जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइस आपके जो पार्टनर आपके साथ नो no कम्युनिकेशन में है ना वो ग्रीडी नीडी टाइप्स नहीं है उनका सिर्फ एक ही चीज़ है मानना और वो ये है कि वो आपके साथ खुश महसूस करते हैं और वो खुश महसूस करते ही रहेंगे उनका ट्रू इंटेंशन ये है कि वो आपके पास आए अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें और एक फ्रेश स्टार्ट एक न्यू स्टार्ट कर सकें ठीक है नाउ लेट सी नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन चेक करते हैं ट्रू इंटेंशंस तो चलो हमें पता लगे, बट नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्रीज कॉन्शियसनेस का कार्ड है मैं यहाँ पर अभी नहीं देख रही हूँ कि इस पर्सन की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन या कुछ मिलने वाला है नहीं अभी नहीं होगा दे विल श्योरली टेक टाइम टू अरेंज देअर सेल्फ वो सबसे पहले ना अपने आप को ठीक करेंगे अपने आप को हील करेंगे मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप दोनों के बीच में ना थर्ड पार्टी इशूज़ बहुत सारे हैं मैं भी हो सकता है फैमिली के कुछ लोग और एक वुमेन वुमेन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि अभी ना सबसे पहले वो अपने आप को फील करेंगे अपने आप को हील करेंगे ठीक है और जैसे ही वो अपने आप को अच्छे से पॉजिटिवली फील कर पाएंगे अपने आप को पॉजिटिवली हील कर पाएंगे वैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपके साथ दोबारा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे लेट मी चेक उनकी तरफ से मैसेज क्या है आप लोगों को सो लव मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन इज I miss those days when we were together. I used to spend my days with you and almost spend my time on watching your photos and our chats. उनका कहना ये है कि वो उन दिनों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हुआ करते थे और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे और जब भी कोई ऐसा टाइम होता था ना जिसमें आप दोनों बात नहीं कर रहे होते थे तो वो फ़ोटोज़ और चैट्स और वो सारी चीज़ें देख करके खुश हुआ करते थे अनटिल द डे आई क्लोज़ माई आईज एंड नेवर ओपन दैम अगेन यू रिमेन इन माई हार्ट आई विल नेवर गिव अप ऑन यू अनटिल दैट मोमेंट यू फाइंड योर विद इन यू दैट समथिंग इज़ मिसिंग उनको ऐसा महसूस होता है कि अगर वो अपनी आंखें भी बंद करें ना तो भी आप उनके साथ होने चाहिए कुल मिला के ठीक है दे एक्चुअली फील इट एंड आई विश यू वर हेयर विद मी वैन यू मीन सो मच द डिस्टेंस मीन सो लिटिल बट प्लीज कम बैक उन्हें है ना कहीं ना कहीं कही, उनके मन में ये चीज भी है कि कैसे ना कैसे करके अगर आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ ना आप सामने से अगर कोई एक्शन ले लो तो भी बहुत ज्यादा बेहतर होगा ठीक है नाउ लेट मी टेल यू गाइस रोमांस एंजल्स रोमांस एंजल्स क्या एडवाइस करते हैं फॉर दिस कनेक्शन हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन ही फैमिली इश्यूज एंड यू डिजर्व लव तो पहली चीज तो यहां पर आई है पाइट नंबर वन पीपल जो भी स्ट्रीडिंग को देख रहा है आप लोग प्यार डिजर्व करते हैं ठीक है यू डिजर्व लव पहली चीज बस आपने क्या करना है जो फैमिली के इश्यूज़ इतने रायते फैल गए ना उनको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आप उन्हें पिंक लाइट भेजा करो हीलिंग लाइट भेजा करो और उनके साथ पॉजिटिवली है ना जब रात को आप लोग सोने जाते हो ना तो कम्युनिकेट किया करो उनकी कोई फोटो या कुछ भी ले करके सो दैट एनर्जी जो है उनके पास पहुंच सके ताकि वो आपको सामने से आकर के मैसेज करें ना कि आप जाएं इस चीज़ को याद रखिएगा आपने जाके सामने से मैसेज उन्हें नहीं करना है ठीक है सो पाइल नंबर वन पीपल अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक था तो देट वॉज देयर एनर्जीज़ आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की रीडिंग और अच्छी लगी होगी आपसे रिजोनेट हुई होगी इफ़ यस देन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल जल्दी मिलेंगे कौन नई रीडिंग में हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पायल नंबर टू पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज आप लोगों ने पिक किया है पायल नंबर टू को दैट मीन्स आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए सी ई जी जे एल एन पी क्यू एस यू डब्ल्यू ए वाई में से कोई एक हो सकता है तो आइए चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए ट्रू इंटेंशनस क्या रखते हैं ठीक है तो मैं इस कार्ड को यहाँ रख रही हूँ सो दैट आप लोगों को पता लगता रहे कि आप ही की रीडिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक uh, करेंगे कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के उससे भी पहले हम एक बार चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज उनके लिए और उनकी एनर्जी आपके लिए क्या चल रही है सो दिस विल बी अ वेरी गुड रीडिंग फॉर ऑल द पीपल हु आर इन अ नो कम्युनिकेशन और नो कॉन्टैक्ट स्टेज अपने पार्टनर से ये कोई भी हो सकते हैं आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आपके स्पाउस हो सकते हैं आपके क्रश हो सकते हैं आपके फ्रेंड हो सकते हैं ठीक है टोटली totally यार ओके बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है या तो आप या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम हाई डेस्परेट एनर्जी में बैठे हुए हैं या फिर एकदम हाई गुस्से वाली एनर्जी में बैठे हुए हैं एकदम स्वॉर्ड लेके ओके okay. चलिए शुरू करते हैं दिस इज योर एनर्जी दिस इज योर पार्टनर एनर्जी एंड दिस इज योर पार्टनर्स इंटेंशन फॉर यू ठीक है चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं ब्रेक थ्रू द स्ट्रेस एंड चेंज मैं यहां पर एक बहुत ही अलग एनर्जी देख रही हूँ फॉर द पायल नंबर टू पीपल आप लोग अभी देखा जाए खुश तो नहीं है बट स्टिल यू गैज आर ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ फ़ाइन और हैप्पी और कम्फर्टेबल आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहे हो हर तरीके से और आपके दिमाग में ना अभी बस ये चीज़ चल रही है कि अभी मुझे अपने आप को स्टेबल रखना है अगर अभी मैंने अपने आप को स्टेबल नहीं रखा तो संभाव मैं कुछ बहुत अच्छा अपने ज़िंदगी में खोदूँगी या खोदूँगा ठीक है यू गाइज़ आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक यू गाइज़ आर वेरी पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ अबाउट योर लव लाइफ कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को ना बदलना है मुझे किसी एक ब्रेकअप की वजह से या किसी एक ये जो चीज़ें आ गई ना इनकी वजह से इतना स्ट्रेस आउट या इतना नेगेटिव नहीं होना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लूँ ऑल दो आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है वी हैव अ कार्ड ऑफ टावर है और ब्रेक थ्रू का कार्ड है दिल बहुत गंदा वाला टूटा है आपका मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कभी नहीं सोचा था मतलब आपने कभी भी फ़ील ही नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है आपके साथ और वो चीज़ हो गई यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है आई मस्ट से कि जो ये स्ट्रेस अभी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ना इस स्ट्रेस को आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबली पॉजिटिवली uh, ले नहीं पा रहे हो और आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं इन सब चीज़ों में ना फंसूँ और मैं कुछ अच्छा ही क्रिएट करूँ बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है बाई नंबर टू पीपल आप लोगों को पता है ये मैं आपकी ही एनर्जी की बात कर रही हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ पता है दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है यूनिवर्स कैसे सुनता है और वो सारी की सारी चीज़ें तो आई मस्ट से कि कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है स्ट्रेस में हो अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया है बट स्टिल आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हो और नहीं चाहते हो कहीं भी ठीक है नाउ लेट्स सी व्हाट योर पार्टनर फील्स फॉर यू कंट्रोल इंटेंसिटी एंड कंप्लीशन देखो मैं यहाँ पर ऐसा महसूस कर रही करी कि आपका जो पार्टनर है ना अभी जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप की एनर्जीज़ को ना कंट्रोल करके बैठे हुए हैं हालांकि उन्हें एक तरीके का गिल्ट है उनके मन में किसी तरीके का तो कुछ सौरव है या कुछ अजीब सा वो महसूस कर रहे हैं फॉर द प्रेजेंट एनर्जी बट उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए और मुझे ना खुद के ऊपर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करके रखना चाहिए ताकि मैं कुछ नेगेटिव या कुछ खराब डिसीज़न ना ले लूँ ठीक है सो दे आर फीलिंग दैट एनर्जी अब uh, मैंने जब आप लोगों को अब दोनों की एनर्जी बता दी है तो चलिए अब बात करते हैं हम इंटेंशंस की व्हाट दे आर दे आर हैविंग इंटेंशंस फॉर यू भाई बुरे इंटेंशंस तो नहीं है आपको लेकर के कुल मिला के कहीं ना कहीं स्टार एम्पर एस ऑफ सोज सेवन ऑफ पेंटिकल्स थ्री ऑफ पेंटिकल्स थ्री ऑफ कप्स सन और नाइट ऑफ वॉन्स ओके जैसे एक शुभचिंतक होता है ना पाइल नंबर टू पीपल वो कैसा होता है ना कि वो हमेशा आपका भला चाहता है हर तरीके से हर लेवल पे हमेशा सिर्फ आपका भला चाहता है वही एनर्जी हाँ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि ये एक ऐसी एनर्जी में अभी हाल फिलहाल आपको लेकर के कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका भला चाहते हैं ये कभी नहीं चाहते कि आपका पैसे का लॉस हो आपकी लाइफ का लॉस हो या किसी भी तरीके का कुछ नेगेटिव आपके साथ हो दे लाइक दे एक्चुअली वॉन्ट कि आप अपनी लाइफ को अपनी फैमिली को ना बहुत अलग तरीके से देखो बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करो पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पर देखूँ सन का कार्ड है उनका सबसे ट्रू इंटेंशन यहाँ पर यही है कि आप अपनी जिंदगी को ना खुश रह करके बिताओ आपका हर दिन बहुत अच्छा हो ऑल दो उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई है उस चीज़ का उनको समहाओ गिल्ट भी है मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था भी एनर्जी में कि समहाओ उनको उस चीज़ के बारे में फ़ील है उनको इस चीज़ का गिल्ट है कि उन्होंने गलत किया आ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था समाओ वो कुछ और अच्छा पॉजिटिव डिजर्व कर सकते थे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेकिन समहाओ उनको ऐसा लगता है अभी प्रेजेंट उनका जो इंटेंशन है ना ये पॉजिटिव इंटेंशन है कि भाई आपकी ज़िंदगी में जो भी हो ना वो अच्छा हो बुरा ना हो कहीं से भी ठीक है पहली चीज़ दूसरी चीज़ वो आपको लेकर के ओवर थिंकिंग करते हैं कि आगे आने वाला टाइम आप चीज़ों को किस तरीके से देखोगे किस तरीके से चीज़ों को लोगे मैं एक चीज़ यहाँ पर बताऊँ तो कहीं किसी भी अंदाज़ में ना या किसी भी कार्ड में ये चीज़ मेरे को फील नहीं हो रही कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम अप इन योर लाइफ अगेन दे एक्चुअली वॉन्ट टू सी यू एज अ स्टार लाइक आपको एक स्टार की तरह देखना चाहते हैं लेकिन दूर खड़े होकर देखना चाहते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं, कहीं ये बात है कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में टैप इन करेंगे वापस से तो कहीं ना कहीं वो अपना या फिर आपका द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो आपका या फिर अपना कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे ठीक है तो वो अभी दूर रह करके ना एकदम दूर रह करके और देखना चाहते हैं सब चीजों को वो आपकी जिंदगी में अभी सामने से आकर के आपको कुछ भी कहना या कुछ भी आ, करने वाली एनर्जी में अभी नहीं नजर आ रहा है मेरे को ठीक है दूसरी चीज़ चीज़ तीसरी चीज जो मैं आपका यहां पे इंटेंशन देख रही हूँ इस पार्ट, इस पर्सन का आपको लेकर के जो इंटेंशन देख रही हो वो कुछ ऐसा है कि आ, जितना हो सके उतना ना आप आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओ नई नई जगहों पर घूमने जाओ ठीक है अपने आप को एक्सप्लोर करो अपने आप को बिजी रखो ऐसा

कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो ढेर सारी तरक्की करो और इन सब नेगेटिविटी और परेशानियों से बाहर निकलो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओ नई नई जगह जाओ ट्रैवल करो फिट हो और कुछ नया एक्सप्लोर करो अपनी फ़ैमिली पे फोकस करो और ढेर सारा वाला पैसा कमाओ वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है उनके ट्रू इंटेंशन ये हैं फाइल नंबर टू पीपल कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप एक ऐसे चमकते हुए सितारे बनोगे एक ऐसे सेलिब्रिटी फेस बनोगे कि uh, लोग जो है ना पायल नंबर टू पीपल लोग जो है ना वो आपके एक साइन के लिए तरस हैं उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो ठीक है नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है ऑल मैंने यहाँ पर एक भी कार्ड ऐसा नहीं देखा जिसमें ये हो कि उनका मन है वापस से आपकी ज़िंदगी में आने का या आपको कम्युनिकेट करने का फिर भी मैं देखूंगी ज़रूर देखो मैंने कहा ना उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में आए ना तो वो या तो अपना या फिर आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे फाइटिंग का कार्ड है वो अंतर मन में भटकते रहेंगे परेशान रहेंगे लेकिन वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे वो आइसोलेट रहेंगे वो दुखी होंगे वो परेशान रहेंगे लेकिन वो आपसे यू नो सामने से रबता करने की कोशिश नहीं करेंगे उन्हें ऐसा लगता है यही मोरालिटी है ठीक है यही ठीक रहेगा इस कनेक्शन के अंदर क्योंकि अगर आगे से उन्होंने आकर के कुछ भी करने की कोशिश करी ना तो उन्हें ऐसा डर है कि आप उनके ऊपर सारा सारा बोरिया बिस्तरा लेके राशन पानी लेके चढ़ जाओगे कि तुम मैं ऐसा करके गए थे मेरे साथ ठीक है सो दिस इज वट आई एम गेटिंग नाउ लेट्स उनके जो है लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए ओके वी हैव थ्री मैसेजेस हेयर पहला मैसेज है आई कैन फील माई हार्ट इक बिकॉज एन एजेंशियल पार्ट ऑफ इट हैज लेफ्ट माई होल बॉडी एंड सोल फील कंप्लीटली एम्प्टी दिस इज टू मच टू बेयर पहला मैसेज ये है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी ना उन्हें बहुत ज़्यादा स्टक और नेगेटिव महसूस होती है उन्हें ऐसा लगता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उनकी ज़िंदगी से उनके जहन से ख़त्म हो गया है वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं दूसरा मैसेज है यहाँ पे आई स्टॉक यू आई एम सॉरी दैट आई कुडन फॉलो माई प्रोमिस आई नो आई एम बैड बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड आई एम स्टक वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो बुरे हैं उन्हें पता है उन्होंने गलत किया है आपके साथ वो अपने प्रोमिसज़ नहीं निभा पाए लेकिन आ, वो आपसे इस चीज के अंदर ना एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग की अपेक्षा रखते हैं एक्सपेक्टेशन रखते हैं लविंग यू मैडली इज द ओनली थिंग आई कैन डू परफेक्टली आई कैन वेट टू बी विद यू प्लीज कम बैक तो वो कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आप उन्हें सामने से मैसेज करो वो अगर करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप उनको डांटोगे फटकारोगे हो सकता है बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे नाउ लेट्स सी वट आर द रोमांस एंजल एडवाइज फॉर यू डेप्शन लेट्स फ्रेंड्स हेल्प यू एंड यू डिजर्व लव तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर आपके लिए एडवाइस आई है कि आप प्यार डिजर्व करते हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं यू डिजर्व लव ठीक है दूसरी चीज आप अपने किसी दोस्त को बोल सकते हैं आपकी मदद करने के लिए लेकिन एक चीज़ याद रखना अगर आपके पार्टनर आपको एक या दो बार मना कर दे तो आपको उस पर्सन के पास वापस नहीं जाना यह सोच लीजिएगा इस इंसान को खुद को ही चीज़ें आप समझने की जरूरत है ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू रीडिंग फॉर द पाइल नंबर टू पीपल अगर आपके पार्टनर के नाम के पहले अक्षर यहाँ से कुछ थे तो ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे अगर आए हैं देन डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कर इन द कमेंट सेक्शन लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल जल्दी मिलेंगे कल एक और नई रीडिंग के अंदर